दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी में बेड सेटअप बनवाने के लिए। मेरे पास है ये डैटसन की गो प्लस, तो इसमें स्पेस है वो काफ़ी अच्छा है। ये सीएनजी सिलेंडर लगवा रखा है मैंने, वो बैक सीट है वो फोल्ड होगी, तो यहाँ से लेके वहाँ तक ना काफ़ी स्पेस है, दो बंदे इसमें आराम से सो सकते हैं। घर से निकलो और ये पीछे लग जाती है। कहाँ जा रहे हो बेटा पापा के साथ? चलो। किसे चलो? कुम्मन चलो बेड बना के। वेरी नाइस। तुम्हें पता बेड बनवान जा रहे हैं पापा है? कल हमने ना ये स्टील वाले एंगल लिए हैं, एक 1.25 इंची पाइप है और 1 इंची पाइप है, तो ये पाजी से हम वेल्डिंग करवाएंगे अपने हिसाब से। ये पाजी की शॉप का नाम है बानी स्टील वर्क्स। ये फैंसी गेट, ग्रिल्स, स्टील रेलिंग ये सब कुछ तैयार करते हैं, इनसे बनवा रहे हैं हम अपना फ्रेम। ये हमारी बेड की 4 लेग तैयार हो गई। मैं इसको इस हिसाब से बनवा रहा हूँ कि अगर गाड़ी में ना रखना हो कहीं बाहर भी बंदा बैठ सके। ये तैयार हो गया मंजा। अभी हमने गाड़ी में रख के देख लिया, सारा कुछ सही है। पहले कच्ची वेल्डिंग की थी, एक एक टांका लगा के चेक करने के लिए, तो अभी पाजी है वो प्रॉपर अच्छे से वेल्ड कर रहे हैं फ्रेम को। वेल्डिंग हो चुकी है, अब पाजी फिनिशिंग का काम कर रहे हैं। स्टील वाला फ्रेम हमारा तैयार हो गया कुछ ऐसा लग रहा है, और अभी मैं हूँ पटियाला स्टील सप्लाई कंपनी में। यहाँ से बोर्ड जो है 6x4 का हमने लिया है 1.5 इंची, तो इसकी कटिंग करवा रहे हैं, उसके बाद इस पर लगेंगे कब्जे। प्लाईवुड हमारा लग गया ऐसा कुछ दिख रहा है, अब इस पर कब्जे लगने बाकी हैं। पाजी गए हैं बंदे को बुलाने के लिए जो यहाँ पे कब्जे लगाएगा। अभी घर पे आ गया मैं, गाड़ी की थोड़ी सफाई हो गई, अंदर थोड़ा गंद पड़ गया था ये बनवाने की वजह से, तो ये प्लेटफॉर्म बन गया। तो सबसे पहले इसमें कौन चढ़ेगा? हमारी यशिका। यशिका आजा बेटा, इधर आओ, जल्दी आओ, अब बेड तो देखो चढ़ के देखो बेटा बेड कितना बनया, देखो चढ़ चढ़ के देखो, सही है? पापा नाल घूमन जाओगे ना फिर तुसी? ठीक है बेटा,
बेटा मैं थोड़ा है बेटा आगे हो वो। चलो 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 पापा भी आएंगे। ठीक है अच्छा हल्दा कोई नहीं बेटा इतना तो हिलेगा ही। काम कौन करूं? खुश है जैसे ठीक है ठीक है। कितने कितने कटे देखो आजो बाहर आजो हम आजो नहीं। क्यों आजो बेटा बाहर आजो हम पीछे बैठना असी जाइए फिर बाय बाय जा रहे से चलो चलिए। One week later. इस बेड को बनवाने के बाद मैं इसको 5 रात तक यूज़ किया है। मैं और मेरा दोस्त हम दोनों इस पे सोए हैं। तो उसके बाद यूज़ करने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा कुछ चेंजेस करवाए हैं। एक जो इसका जो स्टील पाइप है ये पहले काफ़ी आगे तक था, तो जो ये सीट को पीछे करने के लिए ना इसको सारा अनफोल्ड करना पड़ता था। अब मैंने ये क्या किया है, सिर्फ इसको उठाएंगे हम यहाँ पे कर देंगे, ये सीट पीछे हो जाएगी, हम ड्राइव कर सकते हैं आराम से, इस पूरे को अनफोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो है ये मैंने गद्दे बनवाए हैं। एक मैंने फोम की शीट ली है, उसको 4 हिस्सों में कटवा के ना ये कवर चढ़वाया है इस पर। अब जो है ये बेड और ज़्यादा कम्फर्टेबल हो गया। वहाँ से ले कर यहाँ तक इसकी 6 फीट जो है लेंथ है और ऐसे है 4 फीट। ऐसी कुछ लोकेशन पर हैं अभी आसपास दूर दूर कोई होटल रेस्टोरेंट खाने पीने का कुछ इंतज़ाम नहीं है, तो हम अपनी गाड़ी में सारा कुछ लेके चलते हैं। अभी हम कहाँ जाने वाले हैं इसके बाद वो आपको पता चलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।